ले ला ले ला दादा ले ला, अरे ले ला दादा पैक हो। कम में लिया है भैया, 10 ठेलिया किराए पे। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, ये किराया पे 10,000-12,000 बीघा के हिसाब से ले करके खेती वार्षिक रूप से खेती करते हैं, और उसमें जो है कि अपना सब्जी की खेती करते हैं, अपने परिवार का जीवन भरण का कार्य करते हैं। लेकिन बाढ़ आने पे सरकार ने जिसके नाम से खेत है, जिसके नाम से खसरा खतौनी है, उसी को धन देने का काम करती है। लेकिन जो किराए पे जमीन लेकर के सब्जी की खेती करते हैं मजदूर, हाँ। एक तरह से मजदूरी का कृषक मजदूर उनके लिए सरकार ने अब तक कोई कार्य नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं इनको जाँच कराई जाए, कितने लोग किराए पे खेती लेकर अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो खेत अपना दिए हैं पेशकी के रूप में, किराए के रूप में, उन्हीं के खाते में वो भी चला जाता है, तो इनकी तोहरी मार। ये जो आपने लंच पैकेट बनवाया है, लोगों को बंटवाया है, किस उद्देश्य से? देखिए, उद्देश्य साफ है। आप जहाँ भी निगाह दौड़ाइए चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है, और ये रोड के ऊपर पूरी गांव की गांव आबादी जो है पड़ी हुई है टेंट लगा करके। जैसा अभी एक हमारे ग्रामीण ने बताया कि पिछले 6-7 दिनों से हम लोग रोड पर हैं, और जो है कि त्रिपाल तक की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद हमारे जिला पंचायत सदस्य जी ने बताया कि कल जब इन्होंने तहसीलदार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, तब जा करके कल जा करके कहीं जो है तिरपाल बटा है। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन उदासीन बना हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इंसानों के साथ साथ जानवरों के सामने भी समस्या है। जानवरों के भी खाने का भूसा चरी जो है वो सब इन लोगों का खत्म हो चुका है। जानवर भी रोड पे है और इंसान भी रोड पे है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम जैसे समाज सेवियों ने, हमने अपने जिला पंचायत सदस्य जो है हमारे पंकज यादव जी, इनसे बात किया और इनसे पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या स्थिति है, क्या परेशानी है। तो इन्होंने बताया, तो लंच पैकेट बनवा करके आज हम लेकर के आए हैं, और जो है अभी आपके गद्दोगाड़ा, महाबलपुर और दीनापुर, इन सब जगहों पे जो है लंच पैकेट का वितरण किया गया है। तो अपनी यथाशक्ति हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता की सेवा कर सके। इस गाढ़े समय में नर सेवा नारायण सेवा होता है, यही उद्देश्य लेकर के हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति का समय नहीं है, तो हम लोग राजनीति कर भी नहीं रहे हैं, चूँकि आप यहाँ आ गए, आपका स्वागत है, और समस्याएं भी आपके सामने हैं, और हम लोग जो मदद कर रहे हैं वो हमारी मदद भी आपके सामने है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। ये पिछले लॉकडाउन से ये हम जो है कि अपने संगठन और अपने सहयोगियों के माध्यम से, पिछले लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे अप्रवासी मजदूरों को जो है उनको भोजन राशन सब मुहैया कराई गई थी। तो इसमें कहीं कोई राजनीतिक या राजनीति स्वार्थ नहीं है, ये शुद्ध रूप